देखिए भाई, जब भी हम एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस फोन में हमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ढमकना हमकना सब कुछ मिल जाएगा। मगर स्मार्टफोन कंपनियां हर स्मार्टफोन में लिमिटेड फीचर्स देती है और कुछ फोन में तो फीचर्स ही नहीं देती। कौन है ये लोग? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर AOD के बारे में, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में, तो जिन स्मार्टफोन में सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड स्क्रीन है उसमें आपको AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर्स मिल जाएगा। हालांकि कुछ और भी स्मार्टफोन है जिसमें ये फीचर्स मिल जाता है, बट उसमें बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम होगी। बट जिसके स्मार्टफोन में एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई है उनके स्मार्टफोन में बैटरी जो है बेहद ही कम यूज होगी, बट जो लुक है ना वो काफी कमाल का आएगा। बट यहां पर एक और मजे की बात यह है कि जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर क्लॉक दिखाई देगी वो एनिमेटेड नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर बिल्कुल एनिमेटेड क्लॉक लगा सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऐसी क्लॉक जिसे देखकर कोई कहेंगे भाई वाह मजा आ गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझ पर आरोप लगाएं कि भाई ये वाली चीज से तो हमारे स्मार्टफोन की बैटरी ड्रेन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए ये ऐप जो है ना वो बैटरी फ्रेंडली है, यानी कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी को ये कम से कम यूज करेगी, कम कंज्यूम करेगी, और ये तभी यूज करेगी जब ये ऑन होगी। जब ये ऑफ होगी तो ये आपके स्मार्टफोन की बैटरी का यूज नहीं करेगी। तो चलिए फटाफट मैं आपको ऐप जो है वो बता देता हूँ। ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि इस ऐप को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं iTech। तो जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। 6 तरह की यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगी और सारी कैटेगरी में आपको एनिमेटेड इफेक्ट देखने को मिलेगी। मेरी जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है वो है ये इमोजी वाली क्लॉक। आप देख सकते हैं यहाँ काफी मस्त वाली इमोजी इफेक्ट है। और हाँ, ऐसा नहीं है, इमोजी के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लॉक की, तो एक रेडियम टाइप की क्लॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, पूरा का पूरा कलेक्शन है। और साथ साथ में अगर मैं बात करूँ कुछ एनिमेटेड डिजिटल क्लॉक की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिजिटल नंबर देखने को मिलेंगे और इसमें भी काफ़ी अच्छी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ कि अगर आप किसी भी इफेक्ट को सेट करना चाहते हैं, बस आप उससे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड पर एक आइकॉन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके पहले आप इसे परमिशन दे दें। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऐप का नाम लिखा हुआ है, मैं इसे परमिशन दे देता हूँ। परमिशन देने के बाद हम यहाँ पर एक बार दोबारा से बैक करेंगे। बैक करने के बाद रुकिए, अभी यहाँ पर एक और परमिशन देनी होगी। सिंपल आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसे अलाउ कर दें। अब यहाँ पर एक और परमिशन होगी, ये लास्ट वाली परमिशन है, इसे आप टर्न ऑन कर दें। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सेट हो चुकी है। देखिए एक बार मैं फिर से इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, अब ये जो है ना वो सेट हो चुकी है। अब कैसे इसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप अपने, मैं होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ, फोन को लॉक कर देता हूँ। अब जैसे मैं मेरे फोन को चेक करूंगा ऐसे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर ये हमें बेहद ही खूबसूरत वाली क्लॉक दिखाई देगी। हालांकि मेरे स्मार्टफोन में ये थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों ज़्यादा लाइट नहीं आ रही, बट फिर भी यार ये काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि ये बैटरी फ्रेंडली है, यानी कि ये आपके स्मार्टफोन की कम से कम बैटरी यूज़ करेगी और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यानी कि ये हमेशा डिस्प्ले पर ऑन ही रहेगी। और आप देख सकते हैं ये एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जिनके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर्स नहीं है, क्योंकि उनके स्मार्टफोन में ये वाली ऐप भाई धमाकेदार लगेगी। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नए ऐप्स के बारे में, नए ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिंपल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।